I'm also an accidental political science student. I mean, somebody asked me about my anecdotes of JNU. If I were to write my JNU, I would title it Accidental Student, because I was a student in an institution next door called the IIT. मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर का लोकसभा चुनाव में उतरने का प्लान लगभग पूरा हो चुका है। ये एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सबसे प्रभावशाली और चतुर सदस्य हैं। ये दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन अब वो लोकसभा के चुनाव में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो किस राज्य और किस सीट से लड़ेंगे? क्या आप जानते हैं कि उनका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे वो मोदी सरकार के मुख्य स्तंभ बने? क्या आप जानते हैं कि उनके चुनाव में उतरने का क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति पर? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर का लोकसभा चुनाव में उतरने का पूरा राज क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने ये नहीं बताया है कि किस राज्य और किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सबसे प्रभावशाली और अहम सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, जबकि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ये दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन अब वो लोकसभा के चुनाव में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पार्टी उनके लोकसभा चुनाव में उतारने की योजना बना रही है। जोशी, जो कोयला और खनन मंत्रालय के अधिकारी हैं, ने कहा कि अभी तक तय नहीं हुआ है कि निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर कर्नाटक से लड़ेंगे या किसी और राज्य से। ये मीडिया में दिख रहा है, ज़्यादातर ये फाइनल है कि निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो कहां से लड़ेंगे, कर्नाटक से या किसी और राज्य से, जोशी ने कहा। जबकि उनसे पूछा गया है कि क्या बेंगलुरु होगा, तो जोशी ने कहा कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। निर्मला सीतारमण कर्नाटक की ओर से राज्यसभा की सदस्य हैं, जबकि एस जयशंकर गुजरात की ओर से हैं। निर्मला सीतारमण ने साल 2008 में बीजेपी में शामिल होकर साल 2014 तक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक जूनियर मंत्री का पद संभाला। उसी साल उन्होंने आंध्र प्रदेश की ओर से राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त की। निर्मला सीतारमण ने साल 2017 से 19 तक देश की रक्षा मंत्री का कार्य किया। वहीं एस जयशंकर एक करियर डिप्लोमेट हैं। उन्होंने साल 2015 में विदेश सचिव का पद संभाला। साल 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल किया गया। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकन भी किया गया। पिछले कुछ वर्षों से वो सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विदेश नीति का दृढ़ बचाव करते हैं। इन दोनों मंत्रियों का लोकसभा चुनाव में उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दाव है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव के साथ अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अपने विरोधियों को चुनौती देने और जनता को आकर्षित करने के लिए अपनी वाणी और विचारों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो किस राज्य और किस सीट से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कुछ सूत्रों के अनुसार वो कर्नाटक के बेंगलुरु से लड़ सकते हैं, जहां उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। बेंगलुरु में बहुत से वित्तीय, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थान हैं, जिन्हें निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के विकास कार्यों से लाभ मिला है। कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार वो गुजरात से लड़ सकते हैं, जहां उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कदम है और वहां की जनता ने उनके विदेश और अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों को सराहा है।
इसके अलावा वो किसी और राज्य से भी लड़ सकते हैं जहां उनके पार्टी को एक नया आधार बनाने या मजबूत करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए वो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या ओडिशा से लड़ सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर का लोकसभा चुनाव में उतरना एक रोमांचक और निर्णायक मोड़ हो सकता है जो उनके व्यक्तिगत और पार्टी के लिए एक नए अवसर और चुनौतियां लाएगा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आज आपने कुछ नया जाना होगा इस मुद्दे पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।